हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड फिफ्थ मराठी का चैप्टर नंबर 23 प्रामाणिक इस्त्रीवाला की क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है मैंने आपको पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने आई बटन और एंड स्क्रीन, उस आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है और एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दिया है मैंने। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा आप वो वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों। तो आज मैं आपको प्रामाणिक इस्त्रीवाला का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रामाणिक मतलब हॉनेस्टी, ईमानदार को हम प्रामाणिक कहते हैं। इस्त्री वाला मतलब आयरनिंग मैन, जो इस्त्री करता है हमारे कपड़ों को, इस्त्री वाला मतलब आयरनिंग मैन। प्रामाणिक मतलब ईमानदार, हॉनेस्टी। मी शिवानी पांचवी सीखते, तो एक लड़की है जिसका नाम है शिवानी, वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? फिफ्थ स्टैंडर्ड में, पांचवी में वो पढ़ती है शिवानी, जिसका नाम है। माझे कुटुंब छोटे से आहे, तो वो क्या बोलिए, मेरा जो परिवार है, मेरी फैमिली एकदम छोटी सी है। आई बाबा, भाऊ शिवराज आणि मी, तो वो बोलिए कि मेरे परिवार में आई होती है यानी कि मेरी मम्मी, बाबा होते हैं यानी कि पापा, भाऊ शिवराज मतलब मेरा एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है शिवराज, आणि मी और मैं रहती हूँ मेरे परिवार में। आई घरची सगळी कामे स्वतः करते, मतलब उसकी जो मम्मी है आई, वो घर के सारे काम खुद से करते हैं, करती है। आमी तिला मदद कर दो, तो आई के ये जो घर के सारे काम हैं वो आई खुद से करती है और उनके काम में हम थोड़ा थोड़ा आई को मदद करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। एकदा आई ने कपड़े धोन वाड़त घाटले, तो मतलब एक बार मम्मी ने कपड़े धोए और वाड़त घाटले, मतलब वाड़त मतलब ड्राइंग के लिए, सुखाने के लिए कपड़े, जो रस हम लोग ऐसा हैंगिंग होता है, एक हैंगिंग के लिए वायर होता है ऐसे, उस पर हम कपड़े जो है डालते हैं सूखने के लिए, वाड़त सूखने के लिए, तो उसे वाड़त कहते हैं, ड्राइंग के लिए, सुखाने के लिए। तो एक बार उसकी मम्मी जो है शिवानी की, उसने क्या किया, एक बार कपड़े धोए और ड्राइंग के लिए डाल दिए, वाड़त घातले मतलब सूखने के लिए कपड़ों को डाल दिए। कपड़े वाड़ल्यानंतर भाऊ ने त्यांचा घड़िया करून टेबलावर ठेवले, मतलब जब कपड़े सूख गए थे, ड्राई हो गए थे, तो वो कपड़े को वाड़ल्यानंतर मतलब सूखने के बाद उसका जो भाई था शिवानी का, शिवराज ने क्या किया, वो कपड़ों को निकाला वायर पे से, फिर सूखने के बाद उनका घड़ी किया, जैसे हम सूखने के बाद कपड़े जो है फोल्ड करके अपने अलमारी में रख देते हैं, उस तरह से घड़ी करके शिवराज ने भी टेबल पर रख दिया कपड़ों को, जो घर पर टेबल होता है। सायंकाली 5 बजता बाबा बाहरुन आले, मतलब शाम के 5 बज रहे थे तो बाबा जो है बाहर आ गए थे, बाहर आए थे, और त्यांनी आई जवळ पैसे दिले, तो बाबा ने क्या किया, उसके जो पापा थे शिवानी के, उन्होंने आई को, उनकी जो वाइफ थी यानी कि शिवानी की मम्मी को पैसे दिए। ते तिला ठेवयाला सांगितले, मतलब वो जो पैसे है उसको अच्छे से संभाल कर रखने के लिए दिए। आई काम से घाईत होती, मतलब आई एकदम काम में घाई थी, आई को काम के फटाफट करना था, एकदम उसको काम जल्दी जल्दी निपटाना था, बहुत सारे काम होते हैं ना घर में, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर में खाना बनाना, तो उस तरह से आई काम के अंदर एकदम घाई में थी। तीने पैसे टेबलावर घड़िया घातलेल्या कपड्यांत ठेवले आणि ती कामात गडून गेली, मतलब आई ने क्या किया, जो वो पापा ने उनको पैसे दिए थे तो वो मम्मी ने लिया, और मम्मी एकदम काम के अंदर घाई थी, घाई में थी, तो उसने क्या किया, जो पैसे लिए थे वो टेबल के ऊपर जो कपड़े जो फोल्ड होके घड़ी होकर रखे थे, वो कपड़ों के अंदर वो पैसे उन्होंने रख दिए, कपड़ों के अंदर, तो जो टेबलावर घड़िया घातलेले कपड्यांत ठेवले आणि ती कामात
गड़ून गेली, मतलब वो जो पैसे दिए थे पापा ने, वो जो टेबल के ऊपर कपड़े घड़ी करके रखे थे शिवराज ने, उसके अंदर पैसे रख दिए और काम के अंदर गड़ून गेली। गड़ून गेली मतलब एकदम मगन होकर चली गई काम करने के लिए। बाबा बाहर गेले होते, बाबा जो है बाहर गए थे। आई कामत होती, आई जो है काम के अंदर थी, काम करने में बिजी थी। भाऊ खेड़ायला गेला होता, तो भाऊ जो था उसका भाई वो खेलने गया था। मी अभ्यास करत होते, तो वो जो शिवानी थी वो क्या कर रही थी, अभ्यास कर रही थी, मतलब होमवर्क कर रही थी। इतक्यात आंसे स्त्री वाले दामू काका आले, तो इतने में ही, इतक्यात मतलब इतने में ही उनके जो इस्त्री वाले थे, इस्त्री करते हैं ना कपड़ों को जो देते हैं हम लोग, आयनिंग मैन, तो वो इस्त्री वाले जो दामू काका थे, इस्त्री वाले का नाम क्या था, दामू काका, तो वो आ गए थे। इस्त्री साठी कपड़े मांगू लागले, तो इस्त्री के लिए जो कपड़े रहते हैं वो मांगने के लिए मांगने लग गए। आई स्वयंपाक घरातून मनाली, अग शिवानी त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे। तो आईने क्या बोला, अग शिवानी त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे, ऐसा आईने बोला। स्वयंपाक घरातून मतलब सब जन बाहर गए थे, पापा बाहर गए थे और आई काम के अंदर थी। जो छोटा भाऊ था शिवराज वो खेलने में बिजी था, और ये जो थी शिवानी क्या कर रही थी, होमवर्क कर रही थी, अभ्यास मतलब होमवर्क। आमचे इस्त्री वाला दामू काका आ गए थे, तो इस्त्री के लिए उन्होंने कपड़े मांगने लग गए। तो आई ने स्वयंपाक घरातून मतलब जहाँ हम खाना बनाते हैं, तो हम खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में। तो आई किचन में खाना बना रही थी, तो किचन में खाना बना, उधर किचन से आई ने बोला कि मनाली मतलब बोलना, तो उन्होंने बोला अगर शिवानी त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे, मतलब मम्मी ने बोला कि किचन से बोला कि शिवानी जो दामू काका आए हैं उन्हें टेबल पर जो कपड़े घड़ी करके रखे हैं वो पिशवीत भरून दे। पिशवीत मतलब एक प्लास्टिक की थैली में, प्लास्टिक की थैली में भर के दे, उसे पिशवी कहते हैं। पिशवीत मतलब एक थैली में भर के दे दे जो कपड़े हैं। मी कपड़े पिशवीत भरून दिले, तो अभी शिवानी क्या बोल रही है कि मैंने जो है वो कपड़े पिशवीत मतलब थैली के अंदर भर के दामू काका को इस्त्री के लिए दे दिए। इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निघून गेले, मतलब इस्त्री वाले जो काका थे कपड़े लेकर चले गए। तो अभी आगे क्या हुआ है वो देखते हैं दोस्तों। दो दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मांगितले, तो कितने दिन के बाद बाबा ने पैसे मांगा आई के पास से, वो आपको ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कितने, दो दिन के बाद, तो आई को दो दिन पहले पैसे दिए थे, फिर उसके कितने दिन बाद मांगे, दो दिन बाद पापा ने पैसे मांगे। जो पैसे दिए थे ना रखने के लिए, जो आई ने टेबल पे ही रख दिए कपड़े जो घड़ी करके अंदर रखे थे उसके अंदर ही रख दिए, वो दो दिन बाद, उसके दो दिन बाद जो पापा ने पैसे दिए थे उसके दो दिन बाद बाबा ने पैसे मांगितले, किसके पास से, आई के पास से मांगितले। दोन दिवसानंतर बाबा ने आईकडे पैसे मांगितले, तो दो दिन के बाद बाबा ने पैसे मांगा। तो अभी नेहमीच्या सवयी प्रेमाने आई कपाटात पैसे शोधू लागली, तो अभी नेहमी मतलब हर बार की तरह, ऑलवेज, तो हर बार की तरह जब भी पापा पैसे रखते हैं और पैसे मांगते हैं, तो मम्मी क्या करती है, पहले तो पैसे कपट में ढूंढती है, तो कपट में से पैसे निकालने, कपट खोलती है कि मैं पैसे इधर से निकाल के दूं। पर इस बार मम्मी ने तो पैसा रखा ही नहीं था कपट में, टेबल पर छोड़ दी थी। तो नेहमित सा सवी प्रेमाने, तो हर बार की तरह आई जो है कपट, जो कपड़ होता है ना हमारा अलमारी, उसके अंदर पैसे शोधू लागली। शोधू लागली मतलब ढूंढना, शोधू मतलब ढूंढना, फाइंड करना, पन पैसे काही सापड़े नात, मतलब कितना आई ने ढूंढा कपड़ में, पर शोधू लागली मतलब ढूंढने लग गए, पर पैसे सापड़े नात मतलब मिले ही नहीं, काही सापड़े नात मतलब पैसे आई को जो है मिले ही नहीं ढूंढने के बाद। आई कावरी बावरी जाली, कावरी बावरी मतलब एकदम हम लोग टेंशन में आ जाते हैं ना, हम लोग को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो अरे कब मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
कावरी बावरी, तो हम लोग ऐसे बहुत घाई में होते हैं, अरे कहाँ गए पैसे, कहाँ गए पैसे ही नहीं मिल रहे, अल्लाह पैसे कहाँ गए होंगे, अब मिलेंगे भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना पैसे, तो ऐसे नहीं कि कुछ खिलौना है घूम गया चलेगा। तो अभी पापा जो पैसे मांग रहे, तो आई जो एकदम कावरी बावरी जाली, एकदम वो हो गई, घबराहट में आ गई। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। तो कावरी बावरी जाली, पैसे गेले कुठे, तो ऐसे पैसे गेले कुठे, आई विचारत पड़ली, मतलब आई सोचने लगी, विचारत मतलब सोचने लगी कि पैसे गए किधर। घरात सगड़ी कड़े पैशांसी शोधा शोध सुरू झाली, मतलब घर के अंदर ऑल ओवर, सगड़ी कड़े मतलब ऑल ओवर अराउंड, पूरे घर के अंदर तो पैशांची शोधा शोध चालू लागली, मतलब एक सब जन पैसे ढूंढने लग गए, मतलब सब जगह ऑल ओवर पैसे का ढूंढने का स्टार्ट हो गया, कि भाई ढूंढने लगा, बाबा ढूंढने लगे, सब जन हर जगह ऑल ओवर ढूंढने लगे, पर पैसे काही सापड़े नहीं, पर पैसे मिले ही नहीं। सायंकाळच्या वेळाला दामूकाका घरी आले, तो अभी इवनिंग के टाइम इस्त्री करके जो कपड़े हो जाते हैं, तो दामूकाका आते कपड़े वापस देने के लिए, तो दामूकाका जो इस्त्री वाले थे वो घर पर आए, ते हाका मारतस, मतलब हाका मारतस मतलब आवाज देना। अब कैसे भी आपके दरवाजे पे कोई आता है तो क्या करता है, पहले घर में घुस जाता है क्या? नहीं ना, पहले वो बुलाता है, वहिनी आहो वहिनी, आई बाबा बाहर आले, तो उन्होंने क्या बोला, वहिनी आहो वहिनी, ऐसा। अभी कोई भी आपके घर पे आता है तो बहन इधर आओ बहन, ऐसे बोलता है ना मम्मी को आपके, तो उस तरह से। तो ते हाका मारतस, मारतस मतलब वो उन्होंने बुलाया, ऐसे उन्होंने बोला, वहिनी मतलब बहन, वहिनी आहो वहिनी मतलब वहिनी इधर आओ, आई बाबा बाहर आले, तो आई बाबा जो है मम्मी पापा बाहर आ गए। काय रे बाबा कपड़े आनलेच का, जरा वैतागुनच आई विचार ले, मतलब आई ने बोला कि बाहर आके, आई बाबा बाहर आए, फिर आई ने बोला काय रे बाबा, क्या हुआ रे बाबा, कपड़े आनलेच का, मतलब उन्होंने बोला कि कपड़े तूने ला दिए क्या, तो आई ने बोला कि क्या रे तूने कपड़े ला लिए क्या इस्त्री करके, जरा वैतागुनच आई विचार ले, मतलब विचार ले मतलब बोला। तो वैतागुनच मतलब अभी हम लोग की कोई चीज़ घूम जाती है तो हम लोग ऐसा कैसा टेंशन में रहते, अरे मिल रही नहीं है मिल रही नहीं है, जैसे आपकी बुक अभी घूम गई, तो अभी मम्मी आपको कुछ काम बोलती है तो क्या मम्मी को बोलते हो, जाओ मम्मी मैं नहीं लाऊंगा, मैं अभी टेंशन में, मेरी बुक घूम गई है, उसी तरह से। तो वैतागुनच मतलब एकदम टेंशन में आई ने बोला कि क्या रे बाबा तू कपड़े लाया क्या, ऐसा आई बोली उसको। दामू काका ने घिसातून पैसे काढ़ ले, घिसातून मतलब पॉकेट, जो हमारी जेब की पॉकेट, जो हमारी पैंट होती है ना, पैंट जो हम पहनते हैं उसके अंदर से पैसे, घिसातून मतलब पॉकेट, जो हमारी पैंट की पॉकेट होती है, तो घिसातून मतलब पॉकेट। तो दामू काका जो है इस्त्री वाले, उन्होंने अपने जेब में से पैसे निकाले पॉकेट में से, आहो वहिनी तुमसे कपड़े मी इस्त्रीला घेतले, अन तो उन्होंने बोला कि अहो वहिनी मतलब ओ बहन मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री के लिए ले गया था, अन कपड़ांचा घड़ांमध्ये हे पैसे सापडले, मतलब मैं तुम्हारे जो कपड़े हैं इस्त्री के लिए ले गया था, कपड़े के अंदर जो घड़ी किए हुए कपड़े थे, तो कपड़ों की घड़ी के अंदर से, जो फोल्डेड कपड़ों के अंदर से मुझे ये पैसे मिले, सापडले मतलब मिलना, तो वो मुझे पैसे मिले। ते परत करायला आलो, परत मतलब वापस, जो हम रिटर्न, तो मैं वो पैसे रिटर्न करने आया हूँ, पैसे मोजून घ्या आणि हे कपड़े ही घ्या, मतलब पैसे मोजून मतलब गिनो, काउंट करते ना मोज, तो उस तरह से पैसे गिन कर लेना और ये कपड़े भी ले लो जो इस्त्री के लिए दिए थे, इस्त्री करके मैंने दे दिया, इस्त्री मैंने उसे कर दिया है, वो ये भी ले लो और पैसे भी गिन कर ले लो। दामू काका आईचा हातात पैसे ठेवले आणि म्हणाले, तो दामू काका जो थे इस्त्री वाले, वो आई के हाथ,
आई का जो हाथ था मतलब हाथ के ऊपर पैसे रख दिए, अभी हम हाथ के ऊपर पैसे थमा दिए, अभी हम बोलते हैं ना किसके भी पैसे तो उसके हाथ पे दे देते, तो उसी तरह से हाथ में दे दिया। आई पैसे मोजले, तो आई जो है पैसे जो है गिनने लगी, मोजले मतलब गिनी। तो दोस्तों आई जो है पैसे गिनने लगी, मोजले मतलब काउंट करी पैसे को, और दामू पैसे बरोबर आहेत, तो पैसे जो है एकदम बरोबर थे, कुछ कम नहीं हुए थे। तुझा प्रामाणिकपण मला आवडला, मतलब तेरा ये जो ईमानदारपन है, प्रामाणिकपन मतलब ईमानदारपन, मुझे पसंद आया, आवडला मतलब पसंद आना, तो ये जो तेरा प्रामाणिक जो पन है, ये जो तेरा ईमानदारपन है मुझे अच्छा लगा। तो ये जो तेरा हॉनेस्टी पन है, ये जो तू ईमानदार, ये जो तेरा ईमानदारपन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तूने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया और उसमें से कुछ पैसे भी नहीं लिए। कुछ लोग जो है पैसे मिल जाते तो रिटर्न नहीं करते, पर ये जो इस्त्री वाले दामू काका जो है पैसे एकदम करेक्ट थे, अच्छे मतलब एकदम बराबर थे, क्योंकि उन्होंने गिना भी और कुछ पैसे कम भी नहीं थे और बराबर से उसको परत किया मतलब रिटर्न किया। बाबा मना ले ऐसा बाबा ने बोला कि तेरा ये प्रामाणिकपन है मुझे बहुत अच्छा लगा, आवड़ला मतलब अच्छा लगा। बाबा बख्शीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले। बख्शीस मतलब दोस्तों हम जो भी इनाम देते हैं, प्राइज देते हैं किसी को भी, अब कोई हमारी चीज़ कुछ लौटाता है तो उसको हम बख्शीस देते हैं, मतलब उसकी ईमानदारी को देखकर हम उसको जो पैसे देते हैं, प्राइज देते हैं, उस कुछ भी प्राइज इनाम, उसे हम बख्शीस कहते हैं। तो वो बाबा जो है बख्शीस देने लगे दामू काका को, इस्त्री वाले को, कितना दिए पैसा, 100 रुपये देऊ लागले, 100 रुपये मतलब 100 रुपये, 100 रुपीज देने लग गए बाबा। तेवा दामू काका मनाले, उतने में ही जब ये पैसे इनाम बख्शीस दे रहे थे 100 रुपये बाबा, तो क्या उतने में दामू काका बोले कि मनाले मतलब बोले, नको भाऊ, भाऊ साहेब आम्ही गरीब आहोत पण कष्टांस कमवून खातो, मतलब दामू काका बोले कि नको भाऊ साहेब मतलब हमें नहीं चाहिए ये पैसे, आम्ही गरीब आहोत, हम गरीब है पर कष्टानच कमून खातो, मतलब एकदम मेहनत कर खाते हैं, कष्टानच मतलब मेहनत, एकदम मेहनत करते हैं, खुद का कमाते हैं और हम खाते हैं, ऐसा बख्शीश नहीं लेते, तो ऐसा उन्होंने बोला दामू काका ने। दामू काका जायला निघाले, मतलब दामू काका कपड़े और पैसे देकर निकल गए अपने काम पर। आई बाबा त्यांचा पाठमोर्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले, मतलब आई बाबा जो दामू काका है चले गए, पर आई बाबा जो है उसकी ईमानदारी, उसकी जो ईमानदारीपन, उसका जो प्रामाणिकपन, हॉनेस्टीपन, ईमानदारपन, वो देखकर बहुत खुश हुए और उसे देखते रह गए कि हाँ ये कितना अच्छा है, ऐसे भी लोग हैं। तो वो आई बाबा को बहुत आवड़ला, मतलब उसका जो कौतुक करने पाही आई ले, मतलब एकदम उसको एडमायर होके उन्होंने देखा, एकदम अच्छे से उसको रिस्पेक्ट जैसा देखा, उसका ईमानदारपन, उसे एकदम पसंद करने लगे दामू काका को कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, पैसे हमारे पैसे जो है उसने लौटाया, वो एकदम ईमानदार है। तो इस तरह से आज का ये जो चैप्टर, ये पाठ है हमारा दोस्तों, क्या नाम है इसका, प्रामाणिक स्त्री वाला, जो दामू काका है स्त्री वाला, तो प्रामाणिक मतलब हॉनेस्टी, स्त्री वाला मतलब आयरनिंग मैन। तो ये जो पाठ में ऐसा दामू काका जो स्त्री वाले हैं उनके ईमानदारपन को बताया गया है कि वो किस तरह से कपड़े जो है कपड़ों के अंदर जो कपड़ों की घड़ी के अंदर जो घड़िया के अंदर जो पैसे आ गए थे फोल्डेड कपड़ों के अंदर, वापस उन्होंने परत करने के लिए आए, मतलब उसे क्या बोलते हैं देने के लिए आए, कितने घर में सज्जन ढूंढ रहे थे, अगर वो पैसे नहीं देते तो उन्हें उनका काम नहीं होता, पर वो पैसे दिए, वो उनका ईमानदारपन है। तो ये हमें सीख मिलती है कि दामू काका कितने ईमानदार थे, हमें भी ईमानदारी होना चाहिए और हमारी मेहनत से हमें कमाकर खाना चाहिए दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो, तो आज हमने सीखा प्रामाणिक स्त्री वाला और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अभी मिल जाएंगे, वो वीडियो मैंने आई बटन और एंड स्क्रीन पर अभी दे दिया हूँ, वो ये वीडियो के बाद अभी आप देख लेना, तो क्वेश्चन आंसर भी आप पढ़ लेना। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
Thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.